वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कुछ दिनों पहले लुलु मॉल पर बहुत बवाल मचा हुआ था। किस तरीके से जो नमाजी थे वो वहां पर नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यहां पर हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोग तो लुलु मॉल के अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद लुलु प्रबंधन ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। और यहां पर CM योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से यहां पर माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक और मामला था जो प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। ये मामला हम बात कर रहे हैं मथुरा की। यहां पर एक सफाई कर्मचारी जो कि जिसका नाम बॉबी है, उसको कूड़ा गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर ले जाते हुए देखा गया था। अलवर से आए कुछ लोगों ने यहां पर उसका वीडियो शूट किया था और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से सोशल मीडिया सहित हर जगह बवाल मचा हुआ था। उस सफाई कर्मचारी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की गई जिसने उन दोनों तस्वीरों को कूड़े में ले जाने का काम किया। लेकिन बॉबी ये कहता नजर आया था कि किस तरीके से उसको जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ कूड़े में पड़ी हुई मिली थी, उसने वो कूड़े में नहीं डाली। अब इसके बाद से यहां पर नगर निगम के कान खड़े हो गए थे और तुरंत नगर निगम ने ऑर्डर जारी कर उस सफाई कर्मचारी को बर्खास्त करने का काम किया। लेकिन इसके बाद से फिर बवाल मचना शुरू हुआ। जो सफाई कर्मचारी संगठन था, उन्होंने आक्रोशित प्रदर्शन कर यह बताया कि किस तरीके से यहां पर जो उनका सफाई कर्मचारी है वो संविदा पे, और उसको अगर दोबारा बहाल नहीं किया गया, उसे दोबारा नौकरी पर नहीं रखा गया, तो वो पूरे प्रदेश से कल से कूड़ा उठाना बंद कर देंगे। इसके बाद फिर आदेश जारी किया गया और अब बॉबी को दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। यहां पर CM योगी ने इस पर निर्देश दिया था, जिस तरीके से कार्रवाई हुई और उसके बाद सफाई कर्मचारी को यहां पर दोबारा बहाल कर दिया गया है।